चंपक वन नाम के एक जंगल में गोलू नाम का खरगोश रहता था। खरगोश बहुत तेज चाल चलता था। उसे अपनी तेज चाल पर बड़ा ही घमंड था। वह अक्सर अपनी तेज चाल पर इतराता रहता और अपने सामने किसी को कुछ भी नहीं मानता था। उसी जंगल में भोलू नाम का एक कछुआ रहता था। वह बड़ी ही धीमी चाल से चलता, लेकिन वह किसी की खिल्ली नहीं उड़ाता। हमेशा ही हर किसी की सहायता के लिए तत्पर रहता था। खरगोश अक्सर उसकी खिल्ली उड़ाता और हंसता रहता। हा हा हा, क्या तुम्हारी चाल है? कैसे चलते हो, जैसे रेंग रहे हो? मुझे देखो, मैं कई किलोमीटर का रास्ता मिनटों में कूदते फांदते तय कर लेता हूँ, और तुम हो कि रेंग रेंग कर चलते हो। अक्सर भोलू बड़े ही भोलेपन से कहता, देखो भैया, ईश्वर ने तुम्हें तेज चाल दी और मुझे धीमी। मुझे अपनी चाल पर कोई शर्मिंदगी नहीं है। मैं खुश हूँ कि ईश्वर ने मुझे ये चाल दी, और तुम अपनी तेज चाल से अपने आप को खुश रखो। मैं अपनी धीमी चाल में ही खुश हूँ। लेकिन खरगोश कहाँ मानने वाला था। वह कहता, चलो हम एक प्रतियोगिता करते हैं, कौन जीतता है हम तय करते हैं। और इस तरह से उसने कछुए को रेस लगाने के लिए, दौड़ की प्रतियोगिता के लिए तैयार कर लिया। दोनों ने तय किया, ठीक है, कल हम सुबह इस बरगद के पेड़ से अपनी दौड़ शुरू करेंगे और जंगल के उस किनारे पर जो बड़ा सा तालाब है वहाँ अपनी रेस खत्म होगी। हम यहाँ से दौड़ प्रतियोगिता शुरू करेंगे। और दूसरे दिन तय समय पर निश्चित जगह पर दोनों इकट्ठा हुए। सुबह के 8 बजे दोनों ने वहाँ से दौड़ लगानी शुरू की। खरगोश थोड़ी तेज रफ्तार से कूदते फांदते एक टीले पर पहुंच गया। टीला लगभग बीच में था, और टीले पर पहुंचकर उसने पीछे मुड़कर देखा कि कछुआ तो बहुत पीछे नजर आ रहा है। हा हा हा, कितना पीछे रह गया, कब पहुंचेगा ये? मैं ऐसा करता हूँ कि थोड़ा सा रुक जाता हूँ, सुस्ता लेता हूँ, ठंडी हवा आ रही है और घना सा पेड़ है, थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। ये सोच करके गोलू उस पेड़ के नीचे अपनी चारों टांगे फैला करके सुस्ताने लगा। अच्छी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी और गोलू को नींद आ गई। अब क्या था, और कछुआ अपनी उसी रफ्तार से चलता रहा, बिना रुके बिना ठहरे, और खरगोश तो गहरी नींद में सो गया। अब दिन के 2 बज गए। एकाएक खरगोश की आंख खुली, वह हड़बड़ा कर बैठा, अरे अभी तक कछुआ नहीं आया, क्या हुआ? और वो कूदते फांदते जैसे ही तालाब पर पहुंचा तो देखा कछुआ तो पहले से ही वहां बैठा है। खरगोश बहुत दुखी हुआ और रोने सा लगा, अरे मैंने अपने आलस के कारण, मैंने अपनी घमंड के कारण ये प्रतियोगिता में हार गया। मेरे को रास्ते में नहीं रुकना था, लेकिन अब क्या हो सकता है, अब तो प्रतियोगिता कछुए ने जीत ली। खरगोश सिर पीट कर रह गया।
बेटी जीत गई। बच्चों, इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। निरंतर प्रयास करने वालों को हमेशा ही सफलता मिलती है, और जो अपने कार्य को अधूरा छोड़ देते हैं बीच में, वे हमेशा ही पिछड़ जाते हैं, हार जाते हैं। इसके साथ ही एक नैतिक शिक्षा ये भी मिलती है कि प्रकृति में जो भी जीव जंतु है, उन्हें जो भी खासियत मिली है, हमें कभी भी उनकी खिल्ली नहीं उड़ानी चाहिए। सभी को समान दृष्टि से देखना चाहिए। धन्यवाद। अच्छा बच्चों, ये बताइए कि जंगल का नाम क्या था? प्रश्न आप बताइए। चंपकवन था। जंगल में कौन कौन से जीव जंतु होते हैं? कौन कौन से जीव जंतु रहते हैं? हाँ बताइए राजन। अच्छा, खरगोश का नाम क्या था? जोर से बोलिए। गोलू नाम था। खरगोश का नाम क्या था? गोलू। और बोलू नाम किसका था? गोलू नाम कछुए का था। कछुए की चाल कैसी थी? खरगोश किस तरह से इतराता रहता? अपनी तेज चाल के लिए ना। और दोनों में कौन सी प्रतियोगिता हुई? हाँ, जोर से दौड़ने। दौड़ कहाँ से शुरू हुई? बरगद के पेड़ से। और दौड़ कहाँ पर खत्म होनी थी आप बताइए? हाँ, तालाब के पास। और खरगोश कहाँ तक पहुंचा और सो गया? हाँ, आप बताइए कृष्णा। हाँ, किले पर एक पेड़ के नीचे सो गया। आखिर में रेस कौन जीता? आप बताइए माया। कछुआ। लेकिन कछुआ तो बड़ा ही इतनी चाल से चलता था, फिर वो कैसे रेस जीत गया? हाँ, कौन बताएगा? हाँ, कछुआ जीता कैसे आप बताइए? हाँ, खरगोश बीच में सो गया था और कछुआ निरंतर चलता रहा। इस कहानी से अपने को क्या शिक्षा मिलती है? हाँ बताइए। हाँ, जो निरंतर चलता रहता है उसी की जीत होती है। तो अब इस कहानी से हमने शिक्षा लेकर के क्या सीखा? आप क्या करेंगे? अब आप क्या करेंगे? हाँ बताओ राजन, अब आप क्या करेंगे? इस कहानी को शिक्षा लेकर के आप कैसे पढ़ाई करेंगे? बोलिए। पढ़ना तो चाहिए, स्कूल में पढ़ने के लिए आते, लेकिन हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें रोजाना का पाठ या रोजाना हमने जो सीखा है उसको जाकर के घर पे रोजाना ही पढ़ाई।
अपनी मंजिल को पाना है तो हमें रोजाना का जो हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है या हम सीखते हैं उसको रोजाना ही हमें जाकर अभ्यास करना है और सीखते हुए रोजाना का पाठ याद करते हुए रोजाना के पहाड़े याद करते हुए रोजाना की मीनिंग्स याद करते हुए इसी तरह से पढ़ाई करनी है तो हमें कछुए की तरह जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता। हम अपनी मंजिल को पा सकते हैं। पा सकते हैं क्या? बिल्कुल 100% हम अपनी जीत हासिल कर सकते हैं। लेकिन हमें आज से यह तय करना है कि हमें आज का काम या आज की पढ़ाई आज ही करनी है, कल पे नहीं छोड़ना है। समझिए ना, कबीरदास जी जो हुए थे, जो महापुरुष हुए हैं, उन्होंने यही कहा है कि आज करे सो आज कर, है ना, कल पे मत छोड़ो। क्यों? कि आज करे सो आज कर, काल करे सो काल, और